हाँ नमस्कार दोस्तों, निफ्टी डिटेल में आपका स्वागत है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज आपके पास प्रेजेंट हुआ हूँ। दोस्तों देखिए, बहुत बार आपको दिक्कत होता है ऐसा कि आप जो वर्ल्ड टीम है, विचल के वर्ल्ड टीम, किसी विचल के किसी भी वर्ल्ड टीम में जब लॉगिन करते हैं तो आपको ये कैप्चा बड़ा परेशान करता है, बार बार ये गलत हो जाता है। आज मैं एक कस्टमर के रिमोट पर लेकर कोशिश कर रहा था तो वहाँ बहुत दिक्कत हुआ, तो मैं आपको एक इसका उपाय बताता हूँ। ये कैप्चा को हम लोग डिजेबल कर सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर ये बहुत बार आपको परेशान करता है और आपका वर्ल्ड अगर प्रोटेक्टेड हाथों में है, ठीक है? अभी देखो, फिर से वेरिफिकेशन कोड इज़ रॉन्ग, टाइम आउट हो गया, फिर से एक बार प्रयास करता हूँ। तो इस कैप्चा को हटाने का उपाय क्या है, वही मैं आज आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखते क्या उपाय। लॉग इन हो गया, ठीक है, सिस्टम में जाने का, लॉग इन मैनेजमेंट में जाने का, ठीक है, और उसके बाद लॉग इन कॉन्फ़िगरेशन में जाने का, और सब दिखाई तो दे ही दिया होगा, ये वेरिफिकेशन कोड को डिजेबल कर देने का, यहाँ से डिजेबल करके सबमिट कर दीजिए, सबमिट करके सेव कर दीजिए, और उसके बाद फिर से लॉग आउट करके देखते हैं कमाल होता है कि नहीं होता। आप देखिए, आपका कैप्चा खत्म हो गया। अब हमें ये कैप्चा बार बार परेशान नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर आपका कुछ अटैक वटैक का चांस है, आपका नेटवर्क पे अगर ये ऑनलाइन है, अगर आपने इसको ऑनलाइन करके रखा हो, मतलब पब्लिक आईपी पे डाल के रखा है, तो ऐसा नहीं मत कीजिएगा। बहुत बार जो रोबोट होते हैं, वेब बेस्ड रोबोट, टेलनेट वेलनेट अगर बंद है, वेब बेस्ड इसी पर आपने ऑन करके रखा है, तो उस टाइम में ये जो कैप्चा है रोबोट से आपको प्रोटेक्ट, सॉफ्टवेयर रोबोट से प्रोटेक्ट करता है। और अगर आपका ये ऑनलाइन नहीं डाला हुआ, प्राइवेट आईपी के ऊपर में है, आपके कंट्रोल में ही सिर्फ है, तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।